नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। सोनिया गांधी आज सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंची थी, जहां उनसे दो राउंड की पूछताछ हुई। पहले राउंड में सोनिया गांधी से दोपहर 1:30 बजे तक पूछताछ चली। लंच के बाद सोनिया गांधी करीब 3:30 बजे फिर से ईडी दफ्तर पहुंची, जहां उनसे 7 बजे तक पूछताछ की गई है। ईडी ने सोनिया गांधी को कल फिर पेश होने के लिए कहा है। वहीं पूरे देश में कांग्रेस नेता ईडी की पूछताछ का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में लगातार हिरासत में मौत के मामले बढ़ रहे हैं। यूपी में सबसे अधिक लोगों की हिरासत में मौत हुई है। बता दें कि 2020 और 2021 में देश में कुल 1940 मौतें हिरासत में हुई हैं, जबकि साल 2021 से 2022 में कुल 2544 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। खबर मेरठ से है। मेरठ में शिव भक्त लंबी कतारों में पहुंचकर बाबा अवघड़नाथ मंदिर पर जलाभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार से जल लेकर आए शिव भक्त बाबा भोले की पूजा अर्चना कर रहे हैं। दरअसल 2 वर्ष से कांवड़ यात्रा कोरोना की वजह से बंद थी, वहीं इस बार जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्त भारी संख्या में बाबा अवघड़नाथ मंदिर में पहुंच रहे हैं। खबर बलरामपुर से है। बलरामपुर में फर्नीचर की दुकान में अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाए जाने की खबर सामने आ रही है। वहीं आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। पीड़ित ने थाने में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पेट्रोल डालकर दुकान में आग लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है। ये पूरा मामला तुलसीपुर थाना क्षेत्र के सोनपुर चौराहे का है। खबर आगरा से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के रावतपाड़ा में दिनदहाड़े हुई 40 लाख के लूट के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये 5ों लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरों के मददगार हैं। पुलिस ने आरोपियों से 4 लाख रुपए और घटना में उपयोग किए गए असलहा भी बरामद किए हैं। SSP प्रभाकर चौधरी ने बताया कि लूट कांड में फरार कई आरोपी पहले भी कई मामलों में जेल जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने इनकी तलाश में 6 टीमें लगाई हैं। गैंग का इसमें एक व्यक्ति इसी तरह के कारोबार से जुड़ा हुआ, मुंबई में कारोबार करता था और इसमें लगभग सभी की क्रिमिनल हिस्ट्री है। एक इसमें हिस्ट्री शीटर भी है फतेहपुर सीकरी थाने का। सभी के कुछ ना कुछ आपराधिक इतिहास है। लोग जेल में भी बंद रहे हैं। इसमें से 2 ऐसे लोग हैं जो अभी 9 जुलाई को जेल से छूट के भी आए थे। सर, यहाँ सुनने में आ रहा था जहाँ पर ये लूट हुई थी कुछ हवाला का काम भी जैसा चलता था, तो क्या उसके लिए भी कुछ नहीं? ऐसा इंटेलिजेंस मिला है कि इस तरह का चीज़ें वहाँ पे होती हैं, जो ये बताया जा रहा है। यहाँ भी ऐसा लोगों ने सूचना दिया था। इसकी जाँच और इंटेलिजेंस और इकट्ठा किया जाएगा। भारत में मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कि एक राजधानी दिल्ली का भी मामला सामने आया है। नई दिल्ली में मंकी पॉक्स की दस्तक के बाद ताजनगरी आगरा में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आगरा में रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक सैलानियों की निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। वहीं एक बार फिर मंकी पॉक्स के कारण स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में दिख रहा है। देखिए, जैसा कि कोविड में पूर्व में भी आपने देखा कि ज़्यादातर शुरुआत अपने प्रदेश में आगरा से ही आरम्भ हुआ और ये ज़्यादातर पर्यटक के माध्यम से हमारे प्रदेश में आया है। और जैसा पूर्व में भी हुआ कि केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली के पर्यटक यहाँ पे आए और कोविड आगे उसका प्रसार हुआ। इसी तरह अब जब आप देख रहे हैं कि पूर्व में केरल से आरम्भ हुआ और अब नई दिल्ली में आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग बिल्कुल संकट के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग ने जो हमारी RRT टीम है और जो भी हमारी फ्रंट लाइन पे इस समय इन्वेस्टिगेशन या हमारे रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे और ख़ासतौर से एयरपोर्ट्स पे डिवाइड टीमें हैं, उनको हम लोग ने सेंसिटाइज किया है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी है।
इसके अतिरिक्त किसी भी तरह की अगर कोई भी वायरल फीवर या फीवर की कोई भी दिक्कत हो तो उसको सेगरेगेट करके तुरंत आइसोलेट करने की व्यवस्था की गई है। त्रावास्ती में पुलिस और एसएसपी की टीम को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल 220 शीशी अवैध नेपाली शराब के साथ दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस और एसएसबी की टीम के गश्त के लिए निकली थी, चेकिंग के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों आरोपी नेपाल राष्ट्र के रहने वाले हैं। आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। प्रयागराज में धान की रोपाई करते समय आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो महिलाओं की मौत हो गई। वहीं मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम हंडिया रमेश कुमार मौर्य, हल्का लेखपाल और थाना प्रभारी हंडिया धर्मेंद्र कुमार दुबे घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं उप जिलाधिकारी हंडिया ने पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया कि जो भी सरकारी सहायता हो सकेगी वो प्रशासन दिलाने का प्रयास करेगा। सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने मंडल कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि जो भी दस्तावेज रखे जाएं वो पूरी तरह सुरक्षित होने चाहिए। साथ ही कहा कि दस्तावेज ऐसे स्थानों में रखे जाने चाहिए जो कि ढूंढते वक्त समय बर्बाद ना हो। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य सावन की महीने की शिवरात्रि के दिन हरिद्वार से कांवड़ लेकर पैदल वीरभद्र महादेव मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने वीरभद्र महादेव का विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद जलाभिषेक किया। वहीं मंदिर के पुजारी ने मंत्री के हाथों से रुद्राभिषेक भी करवाया, जिसके बाद हरिद्वार से ऋषिकेश तक कैबिनेट मंत्री का जगह जगह महिलाओं ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत भी किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे के अंतर्गत 2025 तक उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात को बराबर करने के लक्ष्य का शुभारंभ भी किया। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।